अजीब पागल है यार मेरे हस्बैंड, उसको लेकर अजान को लेके पता नहीं कहाँ चले गए। मैं यहाँ अकेले तनहा बैठी हुई हूँ, हमारा खाना भी आ गया है, अजान को इसीलिए नहीं लाती हूँ मैं। यार काशी, आप मुझे अकेला छोड़ के यहाँ चले गए हो, आप पागल हो क्या? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अजीब यार आप, इसके साथ आ जाया करो फिर। ये क्या बात हो गई हो, उसके साथ लगे हुए हो, मुझे छोड़ के चले गए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं रात के 3:30 और हम लोग जा रहे हैं सहरी करने के लिए, मैं, काशिफ, इजी एंड लेट्स सी कि हम लोगों को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे तो आई एम श्योर कि शायद कुछ ना मिले, बिकॉज ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ 2-3 बार से। बट फिर भी हमको बाहर जा मुझको बाहर जाने की बहुत पड़ी रहती है कि बाहर चलो, क्योंकि फिर वो मज़े, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ दिन तो बचे हैं, है ना, तो बस मैं चाहती हूँ कि रोज़ाना बाहर जाया जाए। एंड मैं बहुत जल्दी तारिक रोड के विज़िट पे भी जाने वाली हूँ। एंड चलो लेट्स गो, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी सबसे बड़ी तो लड़ाई है कि जाना कहाँ है। लेट्स गो। A few hours later. ऑप्शंस हो, हम कहाँ जा सकते हैं? अभी DHA सिंधी मुस्लिम, DHA सिंधी मुस्लिम, ठीक है। और आपका क्या खाने का मूड है? बस दो जगह है, सिंधी मुस्लिम और DHA। आपका क्या खाने का मूड है? मैं कुछ भी खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है, तो एक DHA और सिंधी मुस्लिम, तो आई थिंक सिंधी मुस्लिम चलते हैं, ठीक है। सिंधी मुस्लिम पे ज़्यादा ऑप्शंस थे लास्ट टाइम भी, DHA में इतने ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे हमें। हॉट एंड स्पाइसी है जस्ट, हाँ हॉट एंड स्पाइसी है, 360 है बच्चे। वो नहीं खाना मुझे। मेरे ख्याल से सिंधी मुस्लिम चलते हैं, वहाँ पर ट्राई करते हैं कुछ, और वहाँ देखते हैं पहुँच के कि क्या हम लोगों को मिल सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो गाइज, हमारा डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी एंड वहाँ जाके देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। यार मैंने अपने दांत में ना रुई नहीं लगाई, शिट, थोड़ी सी रुई मुझे रखनी चाहिए। दांत में रुई ना लगाओ ना, मेरा खाना पीना हराम हो जाता है। बहुत मसले हैं भैया। 3 hours later. तो हम लोगों को फाइनली हैदर्स पे जगह मिल गई है, क्योंकि इस वक्त 3 बजे ये लोग अपनी डाइनिंग क्लोज कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन्होंने अंदर बिठा लिया बिकॉज फैमिली थी। मैंने ऑर्डर किया है चाइनीज़ राइस विद शाशलिक, दिल चाह रहा था। काशिफ ने रोल मंगवाए हैं एंड यस, अभी हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो काशिफ गए हैं बाहर अजान को थोड़ा सा खिलाने पिलाने, थोड़ा सा टैल लगवाने। सो हियर विद अस अजान, एंड अजान जो है माशाल्लाह, उनको तो ज़्यादातर टहलने टूलने में ही मज़ा आता है। अजान से हाई टू एवरीवन। इजी, हे, ए, हेलो, इजी, हाय, से हाय। अब ये ऊपर चढ़ेगा, फिर ये टेबल पे चढ़ेगा। क्या लड़कियाँ सेम ऐसे हरकतें करती होंगी या नहीं? लड़के करते हैं, मेरा नहीं ख्याल लड़कियाँ ऐसे टेबलों पे चढ़ती होंगी पागलों की तरह। गिरोगे गिरोगे, हाँ तो खुद ही चढ़ेगा और फिर बुलाएगा बाबा को कि मुझे लेने आ जाओ। हमारा खाना आ चुका है, इसके बाद मुझे जो गुस्सा आया था ना, क्योंकि तकरीबन कोई 10-15 मिनट्स के लिए काशिफ गायब हो गया अजान को लेके, और वो यही करते हैं, और मैं अकेले यहाँ बैठी हुई हूँ, तन्हा, 4 बज रहे हैं, कोई नहीं है आगे पीछे, और इनको देख लो आप, मतलब मैं बहुत गुस्सा हो गई थी यार। अजीब पागल है यार मेरे हस्बैंड, उसको लेकर अजान को लेके पता नहीं कहाँ चले गए। मैं यहाँ अकेले तन्हा बैठी हुई हूँ, हमारा खाना भी आ गया है, अजान को इसीलिए नहीं लाती हूँ मैं। यार काशी, आप मुझे अकेला छोड़ के यहाँ चले गए हो, आप पागल हो क्या? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अजीब यार आप, इसके साथ आ जाया करो फिर। ये क्या बात हो गई हो, उसके साथ लगे हुए हो, मुझे छोड़ के चले गए। सब इतना प्यार कर रहे हैं उसको, इतना प्यार कर रहे हैं, गोदी को जा रहा सबके, जी इतना प्यार। खाना खा लो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खाना बहुत ही अच्छा है, फ्रेश बना हुआ है, मज़ेदार है, नाइस।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, हमने मज़ेदार सी सहरी कर ली है और और हमने बहुत ही अच्छे से खाना खा लिया है और बहुत ही मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे हैं एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बिठाया, जगह दी, वरना तो अलाउ नहीं था। एंड अब जाके काशिफ़ चाय पियेंगे बाहर से। बाकी मैंने पार्सल करवा लिया है एंड मुझे बहुत याद आ रही है अरसलना की, बिकॉज उसे चाइनीज़ बहुत 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 पसंद है। ओके, लेट्स गो आउटसाइड। ये देख लो आप लोग, ये अपना बच्चा लेके निकल लेते हैं, बीवी पीछे आती रहे तो आती रहे, ये नहीं कि बीवी का हाथ पकड़ के ज़रा सा उसको भी ले जाए साथ बच्चे के, नहीं, ये जो है ना ये बहुत गलत बात है। बीवी बच्चा दोनों को साथ लेके जाओ, वो गोद में तो आप हाथ पकड़ लो हमारा। तो हम लोग जो है वो चाय पीने जा रहे हैं और मैं अपने बेटे अजान को कह रही हूँ, अजान तुम मेरे बेटे हो या मेरे दुश्मन हो, तुम सारी अटेंशन ले लेते हो मेरे शौहर की। यार फूडन जाना है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है फूडन जाने का। हम लोग पीने वाले हैं चाय यहाँ ढाबे से और हम हैं इस वक्त सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे। इस वक्त भाई फूडन के सामने वाले जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और मैं अपने शौहर से कह रही हूँ कि मुझे गाड़ी सिखा दें, अगर आप नहीं भी होते तो जो है वो मैं जाकर जो है ना अपने बेटे को लेकर घूमने निकल जाऊँ। 3 hours later गाइज, हमने चाय वगैरह सब पी लिए, घर पे लगता है रिपोर्ट हो गई है। मुझे वीडियो कॉल कर रही है एनी ने, मुझे इतनी कॉल्स कभी नहीं की, 4, 5, 6, 7, 8 कॉल्स की हैं वीडियो कॉल। कहाँ हो, हम निकले चुपचाप बिना बताए किसी को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं तो उसको बता ही नहीं रही हम कहाँ पर आए हुए छुप छुपा के निकले हुए आज हम ऐसा भी होता है। जब ब्लॉग देखेंगे तो उसे पता चलेगा। सॉरी। चलो भैया, फुल सन्नाटा हो रहा है आगे पीछे। सबको घर पे भेजने के बाद हम लोग जो है वो जा रहे हैं। ओके, सो अब मिलते हैं कहीं और। मेडिसिन लेनी थी NMC से, लेकिन इस वक्त सब लोग सहरी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सहरी का टाइम है, तो हम जो है वो कल इम्तियाज़ हो सकता है मुझे चक्कर लगे 2-4 चीज़ें लेने के लिए, तो वहीं से ही मेडिसिन ले लेंगे हम। और अजान की मेडिसिन ख़त्म हुई हुई है, मोशन की गोली चाहिए और 2-3 और गोलियाँ चाहिए उसकी, सीरप वगैरह। हाँ मेरी जान, बैठे रहो, इधर आओ मामा पास आओ, आओ इधर आओ मामा पास आ जाओ, इसी बाबा इधर आओ मेरी जान। अच्छा। सुनता नहीं है मेरी जरा सी भी, गजब बेइज्जती है यार। अजान तो निकलते के साथ ही मुझे इग्नोर कर देता है। आप लोग भर भर के कमेंट्स में लिखो कि काशिफ भाई अजान को मत बिगाड़े, हर वक्त अजान को लेके ड्राइव करते हैं गोद में बिठा के। मैं मना करती हूँ, इट्स नॉट सेफ। एक हाथ से ड्राइव करते हैं, एक हाथ से उसको पकड़ लेते हैं, वो लहलहा रहे होते हैं शीशे से बाहर मुंह निकाल के। सब लोग भर भर के कमेंट्स करो ताकि काशिफ को पता चले कि इट्स नॉट सेफ। मुझे देते ही नहीं है, मेरे पास आता ही नहीं है बच्चा, बताओ मेरा तो बच्चा ही नहीं है ये। उफ़, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए हैं अपना कल का लंच। मेरी तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरे चाइनीज़ राइस मैं चला लूँगी, शोर तो खाते हैं नहीं। मज़े हाय लेट्स गो। काशी मुझे ऐसा लगता है हमारी तरफ गाड़ियों का संडे बाज़ार है, माशाल्लाह अल्लाह पाक सब लोगों को और दे, लेकिन बहुत गाड़ियाँ भाई। इतनी बड़ी छुपकली अंदर गई है अभी हमारे रूम में, छुपकली इतनी बड़ी वाली है, चू इतनी बड़ी छुपकली है, चू इतनी बड़ी अंदर गई है कमरे में, मैंने खुद देखा इन गुनाहगार आँखों से। अज्जू छुपकली लेजाद हमारे घर आ गया, लेजाद। ओह सुकून मिल गया घर आके। वैसे बाहर जाने का काशिफ कोई फ़ायदा नहीं है, डिड यू नोटिस, तुम ही देखो रोज। बाहर जाओ बस चक्कर लगाओ, बस सिर्फ हाँ तफरी करो, बाकी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सब बंद होता है। उतना फ्रेश आपको वो तो उस बंदे ने हमारे लिए बनवा दिया, अदरवाइज आपको फ्रेश नहीं मिलता। कह सकते हैं कि बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं जी, बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हड्डियाँ रह जाती हैं। वॉलेट रख देना, क्या उसमें कानून का खजाना है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हो। ओके जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने हमारी नमाज़ पढ़ ली है और कसम से यार जो नमाज़ में सुकून है और जो फजर की नमाज़ में सुकून है वो मैं कहती हूँ दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है इससे खूबसूरत चीज़। और
दो तीन चीज़ें बड़े मेरे दिल में हैं, क्योंकि अब आप लोग मुझसे मिलते हो, मुझसे बात करते हो, मुझसे चीज़ें डिस्कस करते हो, तो बस ये चीज़ मैं बोलूँगी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, हर बंदे के लिए ये चीज़ है। लाइफ में ना मेहनत करना नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है जब तक हम अपने गोल्स अचीव ना करें, जो चाहते हैं वो ना हो जाए। उसके लिए जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो विश करते हैं हम लोग कि हमारी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, ये हो वो हो, ये करें वो करें, तो उसके लिए मेहनत करनी है। 50 बार गिरोगे, 50 बार फेल होगे, लेकिन दोबारा से खुद खड़े होना है। कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपको दोबारा से ऐसे नहीं करेगा, आपने खुद ने खड़ा होना है। और दूसरी बात ये कि गिव अप नहीं करना लाइफ में बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन यकीन करो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बेहतर लगती है, सही लगती है, आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छी है, बेहतर है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें किसी की परमिशन की, किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कभी भी जो है ना वो गिव अप नहीं करना है। बहुत अरसा भी लग जाता है कुछ लोगों का नसीब अच्छा होता है, उनको अल्लाह ताला बहुत जल्दी चीज़ों से नवाजता है, लेकिन लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब हमें देखो, जिन्हें बना बनाया नहीं मिला, जो खुद बनाते हैं ना, तो वो उनके दिल से पूछो कि वो किस कदर मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करते हैं, और उसका अपना मज़ा होता है। कुछ लकी होते हैं उनके, उनके बाप दादा की तरफ से उनको इतना मिला होता है, वो उस तरह चल रहे होते हैं, और कुछ को खुद करना पड़ता है। तो कोई मसले की बात नहीं है भैया, खुद कर लेंगे, खुद पे यकीन रखो बस, बाकी और कुछ भी नहीं है लाइफ में। दैट्स, तो बस बी स्ट्रॉन्ग एंड अपने ऊपर यकीन। दूसरी बात ये कि क्या सही है क्या गलत है, आजकल हर किसी को पता होता है यार, सीधी सी बात है, तो उस हिसाब से हमें अपनी सारी चीज़ें करनी है। बस ये दिल की बात थी थोड़ी सी, क्योंकि आज मैं गई हुई थी और मैंने एक स्टोरी सुनी एक मेरे फ़ैन की ही, वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बता रही थी लाइफ की। तो यार ये बातें जो मैं करती हूँ ना, ये बातें हम मजाक में मस्ती में उड़ा देते हैं, लेकिन बहुत अहम बातें होती हैं। ऐसा होता है 90% ऐसा होता है, मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा ऐसा होता है। मुझे 10 लोग मिलते हैं तो उसमें से कोई एक ऐसा बोलता होगा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% जो है वो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं। तो मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें में सर्वाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं यार। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, उनको अच्छा पार्टनर दे और अच्छे घर ससुराल दे। आमीन सुम्मा आमीन, सब के लिए मेरी बस यही दुआ है यार। ये वाली बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे डिस्कस भी करते हो, तो मेरा दिल बड़ा देख के यार दुखता है, फटता है कि यार ऐसा ऐसा भी हो रहा है आजकल के दौर में। होता है यार, होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप यकीन करें, बस आपने जो है ना अपने हिसाब से देखना है। मैं कसम से बता रही हूँ आपको, अल्लाह ताला जो है ना वो सबर कभी राने दगा नहीं जाने देता। बहरहाल जो आपका सबर होता है ना, उसका फल अल्लाह ताला देता है आपको, और बेशक देता है, ये तो ईमान है हमारा। चलें बस।